नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम हरियाली कचौड़ी बनाएंगे। हरियाली कचौड़ी दिखने में हरी हरी बहुत ही अलग दिखती हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। इन्हें किसी पार्टी में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी कचौड़ी दिखेंगी, या फिर किसी मेहमान के आने पर बना सकते हैं, या संडे को कुछ स्पेशल बनाना हो नाश्ते में, तब ये कचौड़ी बनाई जा सकती हैं। शाम को स्नैक के रूप में भी बना सकते हैं। तो आइए हरियाली कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। हरियाली कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटे में हम 1/4 कप तेल डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, और ये हमने 1/3 कप पालक की प्यूरी पीस लिए, 150-200 ग्राम पालक लिया, पत्ते निकाले और बारीक पीस लिए, तो ये प्यूरी हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और चपाती जैसा नरम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। कचौरी के लिए आटा एकदम नरम गूंथा जाता है और आटे को हम बहुत देर तक मसलते भी नहीं रहेंगे, हमें आटे को बाइंड करना है, एकदम चिकना नहीं बनाना। ये हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया। आटे को हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, आटा सेट हो जाएगा। और जब तक हमारा आटा सेट होता है, तब तक हम कचौड़ी के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने 1 कप हरे मटर के दाने लिए हैं, तो ये दाने हमें पीसने होंगे, दरदरे पीसेंगे हम इन्हें, तो वो हमने पहले से पीस कर ले लिए हैं, इन्हें हटा देते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, तेल गर्म होने देते हैं, 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा भुनने देंगे और अब डालेंगे 1/2 पिंच हींग, गैस कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा भून लेते हैं मसाले को और अब डालेंगे हम ये दरदरे पिसे हुए मटर के दाने, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को मिलाते हुए मटर को भूनते हैं। इसमें हम थोड़ा धनिया भी मिक्स कर लेते हैं और चलाते हुए भून लेते हैं। इस स्टफिंग को हमने पूरे 5-6 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लिया है, इसको हमने ड्राई कर लिया है, मॉइस्चर ज़्यादातर ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अगर स्टफिंग में मॉइस्चर होगी ज़्यादा तो कचौरी बाद में जल्दी से सौगी हो जाएंगी। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, गैस बंद कर देते हैं और स्टफिंग को हम अलग प्याले में निकाल लेते हैं। स्टफिंग भूनने के लिए नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज करें, इसमें बड़ी आसानी से भून जाती है, कढ़ाई में नहीं चिपकती। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी तैयार हो गया है, तो आटे को हमें ज़्यादा तो मसलना नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे करके ठीक कर लेना है। और ये आटा लगाने में हमने 2 टेबल स्पून से भी पानी कम यूज किया है, तो ये पालक प्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो पानी कम लगेगा, अगर थोड़ी कम है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन पानी बहुत कम लगता है। आटे में हमने तेल डाला है, दूसरा पालक प्यूरी डाली है, तो काफ़ी आटा गीला पहले से ही हो जाता है। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है, अब हम कचौरी बनाने के लिए इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। तो कचौरी हम अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी जैसी चाहें बना सकते हैं। ये हमने कचौड़ी के लिए लोइयां तोड़कर तैयार कर लिए हैं। इधर हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। कचौड़ी भरने के लिए एक हम आटे की लोई उठाएंगे और इस तरीके से अपने हाथों की सहायता से, उंगली और अंगूठे की सहायता से हम उसे कटोरी का शेप दे देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे।
आटे को चारों तरफ से उठाते हुए स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद करेंगे, यानी खुली नहीं रहनी चाहिए हमारी कचौड़ी। और ये देखिए हमने बंद कर दिया, और अब हम इसे हाथ से दबा करके बढ़ा सकते हैं हथेली से, चाहे तो बेलन का हल्का सा दबाव दे करके बेल सकते हैं। तो ये हमने इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्लेट में रख लेते हैं, 3-4 कचौरी बना करके तैयार कर लेते हैं। हमें सारी कचौरी इसी तरीके से भरनी है और बढ़ाकर तैयार करनी है। ये हमने 4 कचौड़ियाँ भरकर और बढ़ाकर तैयार कर ली हैं, इन्हें हम अब तलेंगे। तो तेल चेक कर लेते हैं। तेल चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आटा कढ़ाई में डालते हैं। आटा सिक रहा है, बबल्स आ रहे हैं। हमें कचौड़ी तलने के लिए मीडियम गरम तेल चाहिए, मीडियम से भी हल्का गरम तेल चाहिए। तो हमारा तेल गरम है, कचौड़ियाँ तलने के लिए हम तेल में डालते हैं और आग को हम मीडियम कर देंगे। और जब तक हमारी ये कचौड़ियाँ इसमें तलती हैं, तब तक हम ये कचौड़ी भी भरकर तैयार कर लेंगे, इसी तरीके से तैयार करेंगे। कचौड़ियाँ फूल कर आ गई हैं, इन्हें हम पलट देंगे और कचौड़ियों को पलट पलट कर अच्छी ग्रीनिश ब्राउन होने तक तल कर तैयार करेंगे। हमने कचौड़ियों को पलट पलट कर अच्छा ग्रीनिश ब्राउन होने तक तल लिया है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। कलछी को इस तरीके से कढ़ाई के साइड में थोड़ा सा रोक कर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और सारी कचौड़ियों को इसी तरीके से तल कर तैयार करेंगे। ये सारी कचौड़ियाँ हमने तल कर तैयार कर ली, और एक बार की कचौड़ी तलने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। इतने आटे से हमने 12 कचौड़ी बनाकर तैयार की हैं। हरियाली कचौड़ी बनकर तैयार हैं, बहुत अच्छी कचौड़ी बनी है और इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। आटे को जब आप गूंथ रहे हैं तब ध्यान रखें कि आटा एकदम मसल मसल कर, उसे चिकना नहीं करना है, जस्ट बाइंड करना है, सॉफ्ट आटा लगाना है, और स्टफिंग को थोड़ा सा भून करके ड्राई करना है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहनी चाहिए। स्टफिंग को आटे में पूरी तरीके से भरें, कचौड़ी खुली न रहे, अच्छी तरीके से दबा कर उसे बढ़ाएं, वो फटनी नहीं चाहिए। और कचौड़ी को तलते समय ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम से भी थोड़ा सा कम गर्म हो। कचौड़ी तलने के लिए डालें, और जैसे ही कचौड़ी फूल कर तेल पर तैरने लगे पलट दें, आग थोड़ी सी तेज करें और कचौड़ी को ग्रीनिश ब्राउन होने तक तल कर तैयार करें। आप बहुत अच्छी कचौड़ी बनाएंगे, और हरियाली कचौड़ी को हरे धनिया की चटनी, टमाटो सॉस या अपने किसी भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व करें। तो आप ये कचौड़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।